गाजीपुर से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की रिपोर्ट। कारंडा थाना पुलिस ने किया भंडाफोड़। बंद पड़े सरकारी अस्पताल में अवैध नकली शराब फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। गाजीपुर जिले के करंडा थाना पुलिस ने सोमवार की रात क्षेत्र के धरवा में स्थित बंद पड़े सरकारी अस्पताल में चल रहा अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मौके से 3 तस्करों को गिरफ्तार करने के साथ ही भारी मात्रा में अपमिश्रित शराब के साथ ही इसमें प्रयोग होने केमिकल उपकरण आदि बरामद किया। मालूम हो कि पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे के निर्देशन में जिला पुलिस अपराधियों सहित मादक पदार्थ के तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी के तहत करंडा थाना प्रभारी निरीक्षक संपूर्णानंद राय सोमवार की रात हमराहियों के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील थे। इसी दौरान करीब 8:30 बजे क्षेत्र के धरवा गांव में स्थित बंद पड़े सरकारी अस्पताल में छापेमारी किया। पुलिस के पहुंचते ही वहां नकली शराब बनाने में लिप्त 3 लोग भागना चाहे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया। थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मौके से 180 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 4 जरिकेन, 579 शीशी लाल द्रव्य भरी हुई, 378 खाली शीशी, 200 ढक्कन, 41 गत्ता व रैपर ब्लू लाइम व बॉम्बे विस्की और एक डिब्बा लाल कलर तथा अन्य उपकरण बरामद किया। बताया कि गिरफ्तार तस्करों में स्थानीय थाना क्षेत्र के मंझरिया निवासी मुलायम सिंह, मांझा निवासी राम नारायण मिश्रा उर्फ टुनटुन और नंदरगंज थाना क्षेत्र के करमाजीतपुर निवासी रोशन कुमार यादव शामिल है। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि अवैध शराब के कारोबार में लंबे समय से लिप्त है। अभियुक्तों का आबकारी अधिनियम के तहत चलान कर दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में एसओ के साथ उप निरीक्षक कृष्ण कुमार उपाध्याय, उप निरीक्षक सुनील कुमार तिवारी, हेड कांस्टेबल प्रेमशंकर, हेड कांस्टेबल शैलेंद्र यादव, कांस्टेबल राकेश सोनकर, कांस्टेबल आश्रित कुमार, कांस्टेबल रमाकांत सरोज और कांस्टेबल अभिषेक कुमार शामिल थे। सर, करंडा थाना क्षेत्र में अवैध शराब पकड़ी गई है, सर क्या है सर पूरा मामला? अवैध शराब खरीद फरोख्त अभियान के अंतर्गत स्वाट टीम करंडा की पुलिस के संयुक्त अभियान में 295 लीटर अपमिश्रित शराब प्राप्त की गई है। साथ ही साथ 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है और इसमें अपमिश्रित मुकदमा लिख लिया गया है जिनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है।